नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत दिनों से रिकमेंड्स आने मतलब आने का अनाउंसमेंट हुआ था। फाइनली वो अनाउंसमेंट आ चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं पूरा डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में चर्चा करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, कुछ मतलब जो आपका रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स का वो भी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। चलो वो सब कुछ मैं आपको डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले पोस्ट देख लीजिए। देखिए, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर पोस्ट है, जहाँ पे कुल मिलाकर 187 वैकेंसीज है, जहाँ पे एससी एसटी जनरल सारे कैटेगरीज में आपको पोस्ट दिखेगा। उस तरीके से इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन के ऊपर पोस्ट है, जो 140 का पोस्ट यहाँ पे देखने को मिला, सॉरी 412 पोस्ट देखने को मिले। साथ ही साथ देखा जाए तो नेटवर्क ऑपरेशंस के ऊपर पोस्ट है, जहाँ पे 80 वैकेंसी कुल मिलाकर देखने को मिले, जहाँ पे एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप सब कुछ है। उसके साथ साथ आपको देखा जाए तो डेपुटी मैनेजर सिस्टम और वो भी आईटी आर्किटेक्ट के ऊपर टोटल 27 वैकेंसीज है। और उसी तरीके से अगर डेपुटी मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज के ऊपर 7 वैकेंसीज है। कुल मिलाकर जितने वैकेंसीज है वो सारे वैकेंसीज के, ये जो जितने सारे वैकेंसीज मैंने आपके साथ डिस्कशन किया उसके ऊपर 25 से 35 साल तक आपको एज लिमिट रखा गया है। इस एज लिमिट के अंदर आपको अप्लाई करना होगा, इसलिए एज लिमिट के अंदर आपको एप्लीकेशन प्रोसीड्योर करना होगा। दूसरे पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, वो भी सिस्टम के लिए 784 वैकेंसीज है, जिसका एज लिमिट है 21 से 30। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट है और वो भी टोटल 14 वैकेंसीज है, 21 से 30 आपका एज लिमिट रखा गया है। तो कुछ पोस्ट है जो पोस्ट मैं आपके साथ डिस्कशन किया हूँ। अब इस पोस्ट के टोटल बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। बाकी डिटेल्स का मतलब क्या है कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे जब, तो आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, अगर आप मतलब एक एक करके डिटेल्स देखेंगे, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको बीटेक एंड बीए कंप्लीट होना चाहिए, वो भी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आईटी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स या मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के ऊपर। इस सारे कोर्स से आप 50% मार्क्स लेकर पास आउट हुआ है, मतलब पास कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आप एमसीए भी कर चुके हैं तो अप्लाई करिए, एमटेक कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैंशन किया गया है। हाँ, एक्सपीरियंस है 4 साल के, मगर फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग पोस्ट के अलग अलग डिटेल्स है। इसका नोटिफिकेशन के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना। जैसे देखिए, दूसरा एक पोस्ट है जहाँ पे इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन, इसके भी सेम क्वालिफिकेशन है जो क्वालिफिकेशन पिछले पोस्ट में था, सेम क्वालिफिकेशन है। इसके लिए आपको यहाँ पे जो देखा जाए तो एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, वो अगर बता दूँ तो 4 साल की एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है इस आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर। और साथ ही साथ 2 साल की एक्सपीरियंस है, 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, और वो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 4 ईयर्स। तो आप इस एक्सपीरियंस के बेसिस में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके सारे पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, इस सारे पोस्ट को एक एक करके चेक करना। पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उस लिंक में जाकर इस डिटेल्स को देख सकते हैं। अभी देखिए, कुछ पोस्ट के लिए जब अप्लाई करेंगे उसके लिए तो आपको एग्जामिनेशन भी देना होगा। तो टोटल एग्जामिनेशन का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। कुछ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पहले सिलेक्शन के लिए, उसके बाद आपका कुछ एग्जामिनेशन होगा। जैसे देखिए, आप 100 मार्क्स का कुछ एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकल के आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होगा। तो कुछ मतलब जो क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनेशन के लिए 100 मार्क्स का, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज। तो कुल मिलाकर इस तरीके से एग्जामिनेशन आपको देना होगा। तो देखिए, पूरा डिटेल्स मैं आपको सर डिस्कशन किया हूँ। अभी देखिए, उसके बाद सेकेंड जो एग्जामिनेशन होगा आपका टेड के ऊपर, जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफ्रा सपोर्ट, नेटवर्क्स एंड क्लाउड ऑपरेशंस। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन यहाँ पे भी रहेगा। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन देने के बाद आपको देखिए, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्स को जरूर मतलब इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिए, सारे चीज़ को चेकआउट करिए। अभी देखिए, अप्लाई करने के लिए एक लिंक मैं आपको दे दूंगा, इस लिंक में जाकर अप्लाई करना। इस यहाँ पे जाकर आप सारे डिटेल्स को पढ़ लेना, उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करिए, आपका रजिस्टर नंबर पासवर्ड डालिए। तो अगर आपके पास रजिस्टर नंबर पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन पहले करिए, उसके बाद अप्लाई करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।